तो ये बलुआ घाट और यहाँ पे तब बेहतरीन से सनसेट हो रहा है। कभी आप भी तो अभी फिलहाल मैं और संदीप आ चुके हैं बलुआ घाट। वेलकम बैक। अच्छा हो गया तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस जो जा रही सामने से मसड़ी है तो बाबा अभी हम लोग निकल चुके हैं फिलहाल अपने ड्यूब से। पिछली वीडियो में आपने देखा भाई कि हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे इधर उधर फिर घूमने निकले हैं और आज जा रहे हैं हम लोग बलुआ घाट। प्रयागराज का एक और बेहद सुंदर घाट है बलुआ घाट। हाँ बलुआ घाट है वहाँ पे जैसे आपको ही क्योंकि गौ घाट भी है वहीं पास में बलुआ घाट है। तो बलुआ घाट जो है पहले मॉडिफाई नहीं हुआ था, काफ़ी मॉडिफाई हो चुका है। इसलिए आपको दिखाते हैं, बेहद खूबसूरत लगेगा और बाकी सनसेट के साथ तो भाई अलग ही व्यू आएगा, अलग ही मजा आएगा। और चलते हैं फटाफट से आपको दिखाते हैं। वीडियो में बने रहना भैया, वीडियो पूरी देखो। कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करते रहा करो, रेटिंग करते रहा करो। आजकल का इस वीडियो थोड़ा लेट आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट जब भी आएंगे एकदम ज़बरदस्त वाली वीडियो आएंगी। प्रयागराज की कुछ अच्छी लोकेशंस को ही एक्सप्लोर करेंगे। आप हम लोग कहीं बाहर जाएंगे तो भी मतलब फालतू वीडियोस नहीं डालना चाह रहे हैं कि भाई आपको कुछ भी ऐसे हंसते रहें, कुछ भी डाल दें, मतलब उस तरह नहीं करना चाहते। अच्छी वीडियोस डालना चाहते हैं, सीधा चलिए सर आप प्रॉपर वीडियो डालेंगे एकदम, ताकि आपको मज़ा आए देखने में। तो गाइस अभी फ़िलहाल बस बलुआ घाट पहुँचने ही वाले हैं, कुछ दूरी पर और है। और इधर ही एक ISKCON टेम्पल भी है कृष्ण जी का और यहीं पे। तो मैं अभी एक दिन सेपरेट वीडियो बना दूंगा पूरी ISKCON टेम्पल पे भी। तो अभी चलते हैं, पहले आपको बलुआ घाट दिखाते हैं क्या सीन है, कैसा है। और मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होने वाला है बलुआ घाट का। बाकी भैंस बाकी मज़ा लेते चलते घाट पे, देखते क्या है कैसे है। तो ये अभी फ़िलहाल मैं और संदीप आ चुके हैं बलुआ घाट और ये मतलब प्रयागराज के खूबसूरत घाटों में से एक है। और जहाँ पे भाई संदीप हम लोग पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले भी आए नहीं हम लोग, पहले सोचा भी नहीं था। और ये मतलब जान तो रहे थे क्या, नाम तो पता था लेकिन पता था एरिया का नाम है तो, लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला है भाई। तो चलिए आपको दिखाते हैं घाट क्या है कैसा है, समझिएगा। देखिए गाइस ये है पूरा घाट, मतलब बैंक ऑफ रिवर पूरा। और इधर से आपका पुराना ब्रिज है ये वाला, तो आपको पुराना पुल दिख जा रहा है। नया क्या पूरा ये मॉडिफाई कर दिया गया है, लाइक देख रहे हैं गुंबज टाइप का बना दिए हैं। और ये यमुना नदी है। और बाकी उधर सनसेट हो चुका है कि होने वाला है, हो चुका नहीं है, छिप गया है सूरज। बाकी थन्नो उधर खड़ी की है भैया वो है। और इधर मंदिर भी है, श्री बरुआनाथ बाबा की मंदिर, हनुमान जी प्लस शिव जी की मंदिर है ये। और जहाँ तक है मुझे पता है कि शिव जी का ही रूप हनुमान जी हैं क्या? अरे जहाँ तक पता क्या सबको पता है नहीं बाप मुझे पता है, पता बोल रहा हूँ अकेले पता है भाई। बाकी ये एरिया का नाम भी बलुआ घाटी है क्यों संदीप? हाँ मतलब बढ़िया बनाया गया है, मतलब मस्त लग रहा है। इसकी एक रील प्यारी सी अभी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा तो उसे भी देखिएगा। जो लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किए हैं वो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और बाकी भाई यूट्यूब पे तो जो लोग हैं ही, बाकी और लोग आओ यार सपोर्ट करो, अपना प्यार दो हम लोगों को। आप सबके स्ट्रेंथ फ्रीजिए और क्या कहते हैं उसको, अपना एनर्जी बढ़ाइए। और एनर्जी बढ़ा के और जो सब्सक्राइब बटन उसको दबाइए क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते ना आप लोग। और चलिए और काम नहीं करता मेरे। और चलिए आगे चलते हैं और घाट के और दिखाते हैं आपको क्या है कैसे। ये बलुआ घाट और यहाँ पे तब बेहतरीन से सनसेट हो रहा है। कभी आप ये इसे एक्सपीरियंस करिएगा अगर आइएगा। बाकी संदीप कहीं व्यस्त है, बहुत ज़्यादा बिजी आदमी है लड़का, मुस्किया रहा है बस। और अगर अभी तक जिन लोगों ने बलुआ घाट नहीं घुमाया तो आज आइए और बलुआ घाट घूमिए, एक्सपीरियंस करिए। और चीटी मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे कुछ देर में और बाकी इधर से आपको दिख जाता है ये आपका पुराना ब्रिज, ओल्ड ब्रिज, और उस साइड में है इसके न्यू ब्रिज। इधर नया घाट बनाया जा रहा है, मतलब बलुआ घाट का ही बोले, थोड़ा बहुत लाइक बना दे रहे हैं कि थोड़ा अच्छा लगे। इधर बोटिंग वगैरह भी होती है, बट गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा है। ये गंदगी अगर साफ़ हो जाए तो शायद लोग यहाँ और आना पसंद करने लगे या और ज़्यादा लोग यहाँ आना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी देखने को मिल रही है। तो ये गंदगी जो है अगर साफ़ की जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी भाई, बाकी लड़का बहुत बेस्ट है, मतलब कभी प्रीतम लगाता है, कभी कोई और लगा देता है। देख लीजिए, कर लीजिएगा प्रीतम के पास, ये लीजिए, ये मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, प्रीतम का फ़ोन कर लीजिएगा। बेटा गर्लफ्रेंड नंबर नहीं है, पता चला नप जाओगे तुम। तो गई क्या ही बोला जाए, वेलकम बैक। अच्छा हो गया। देख रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा लड़का बिजी है तो उसको ये पता भी नहीं है कि कब इंट्रो वीडियो शूट होता है, कब क्या हो रहा है, इसको कोई मतलब ही नहीं होता भाई। बस ये है कि बंदा साथ में है, वीडियो में है, बस कहता है कि यार मैं पहले सेलिब्रिटी हूँ, मुझे क्या। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, क्या करनी है, कमेंट में जरा इसके बारे में दो चार गालियाँ लिख दीजिएगा आप लोग। लिखिए, क्या करूँ, कोई लाइक सब्सक्राइब कर भी नहीं करता, क्या करूँ। और बाकी इंस्टाग्राम पे भी जो फॉलो नहीं किया भाई कर लो। और ये भी प्यारी वाली एकदम रील आने वाली भी था, रात का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि रात में थोड़ा लाइट वगैरह जल जाती ना, तो और बेहतरीन लगेगा ये देखने में। तो वो भी कैप्चर कर लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे फटाफट से घर, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है कि पापा की तबीयत वगैरह भी ख़राब चल रही थी, तो उनकी भी केयर वगैरह करना रहता है। बाकी भाई, बाकी व्यू यहाँ का तो ये 2-2 किलो सेब नहीं, जस्ट जोकिंग गाइस। ये पूरी यमुना नदी है, क्यों संदीप? ये पूरे सनसेट तो अपने ब्रांड का नाम है, और ये कितना बढ़िया लग रहा है क्या, ये पूरा घाट और ये पूरा सनसेट मस्त लग रहा है। कहाँ पे? और गाइस वो देखिए, एक बार दिखाता हूँ, ये वहाँ वो वहाँ भैंस, मतलब भैंस तो भाई दिखी जाती है, जैसे संदीप की पुरानी रिश्तेदारी हो, रिश्तेदारी भैंस काली होती है तुम्हारे जैसे है क्या? अरे वाकई संदीप तुम काले लग रहे हो आज, क्यों पता है क्या? आज दिन में बहुत घूम लिया, दिन भर घूम रहा था आज भाई, धन्नो लेके संदीप मोज है, दिन भर यही लेके घूमता है। हाथ भी काला हो गया यार, ओ तेरी, मुंह भी काला, हाथ भी काला। वो धुएं पे चले गए थे क्या उधर जो अब आ रहा है? अरे वहाँ जाते तो निकल के आते बह जाते क्या, बह जाते। और ओल्ड ब्रिज की भी मैंने एक रील डाली थी बहुत पहले, शायद किसी को याद हो, इंस्टाग्राम पे। मतलब इंस्टाग्राम पे 13,000 लोग हैं संदीप, बट सब सो गए हैं, सो गए हैं, क्या करें, गर्मी आ गई है ना, खा के दाल चावल बढ़िया नींद लगती है। अरे वाह, बाकी कल आज तो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, बाकी कल मतलब जिस दिन ये वीडियो पोस्ट होने वाली है आराम से। उस दिन रामनवमी होने वाली है, और ये हमेशा सोने वाली बात करते रहते हैं। तो इस घाट को बहुत अच्छा बनाया गया है, बट आप देखिए कितनी ज़्यादा इस घाट पर गंदगी है, और शायद यही रीज़न है कि यहाँ पे लोग आना नहीं पसंद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही गंदगी है, मतलब आप कलर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा गंदगी है, पता नहीं क्यों है बट है। और बाकी यार घाट कितना प्यारा है, बहुत बेहतरीन घाट बना है, और नया उधर भी बनाया जा रहा है, बट जो गंदगी जिस तरह की फैला दी गई है ना, शायद वो एक रीज़न हो सकता है कि घाट पे यहाँ लोग आना पसंद नहीं, क्योंकि गंदगी कहीं भी रहेगी यार। अगर अभी आप अपने घर में गंदगी करके रखोगे तो कोई आउटर आपके घर में आना पसंद ही नहीं करेगा। तो मैं भाई कहना चाहता हूँ जो लोग इधर गंदगी वगैरह कर रहे हैं, या प्रशासन जो भी मतलब है, अगर यहाँ साफ़ सफाई हो पाए तो भाई अच्छा है। बाकी यार आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो संदीप भाई क्या कर देना चाहिए इन लोगों को? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, इन सब में से कुछ कर रहे हैं लोग कि नहीं? इन सब में कर रहे हो तो आज हम लोग यहाँ होते हैं, कहीं बकरी चराते होते हैं। तो गाइस इसी के साथ यार देख लो, थोड़ा लाइक से सब्सक्राइब हो पाए तो कर दिया करो, और बाकी अभी हम लोग चलते हैं घर। छोटू भी आ गया सामने, और भाई बाकी इसको देखो, कहाँ जा रहे हो यार? यहीं रहते हैं, घर है तुम्हारा, घर यहीं तुम्हारा? हाँ, उधर है, इधर नहीं है। शर्मा रहा है लड़का बहुत। बाकी भाई देख रहे हो पूरी दम नदी देखो मस्त।